जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम MCQ। इससे पहले हमने एक MCQ डाला है, वो आपके 73वें संविधान संशोधन एवं उस 73वें संविधान संशोधन के पहले जो समितियां गठित हुई थी उसके संबंध में जो सवाल पूछा गया था, अब तक CG-WAPM CGPSC या फिर CG-WAPM के द्वारा। तो आज का हमारा हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से संबंधित जो प्रश्न है ना, एक जो बुक है छत्तीसगढ़ पंचायती राज उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यदि चैनल आपको यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन के प्रति। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन कर लिया था समिति से और 11 क्वेश्चन किए थे 73वें संविधान संशोधन से। तो आप आज का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है। अब देखिए, इस अधिनियम में 13 अध्याय और 133 धाराएं हैं, ये गलत है, मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा है कि इसमें 14 अध्याय हैं, 120 धाराएं हैं, तो ये भी गलत है। तो इस अधिनियम में 15 अध्याय हैं, 132 धारा है और 4 अनुसूची हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको MCQs करवा रहा हूं वो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को ही करवा रहा हूं, इसमें अलग से और कोई क्वेश्चन नहीं जोड़ा गया है। पहले हम इस क्वेश्चन को कर लें ताकि हमको एक बेस बन जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत भी है, नगर पंचायत नहीं है, ये अलग से अधिनियम है ना। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज में नगर पंचायत नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये नगर पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष प्रभाव हुआ, तो ये होगा आपका 1993। कैसे है ना, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1993 में ही हुआ था, 1992 में उसका बिल पास हुआ था और 93 में इसको लागू कर दिया गया था। तो इसका आंसर है 1993। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण तो एक नवंबर 2000 को हुआ है, तो ये 93 कैसे हुआ। तो ये है कि जिस दिन छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से अलग होके, उस दिन एक गजट निकाला गया, उसमें यह लिखा गया था कि पंचायती राज अधिनियम में जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा है वहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ नाम रहेगा। इसी कारण हम इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ में भी 1993 से मान रहे हैं। और दूसरी बात ये समझिए, जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था उस समय भी तो यह अधिनियम लागू था, है ना। ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही लागू है, तो छत्तीसगढ़ बनने से पहले भी अधिनियम लागू था, इसलिए आपको आंसर 1993 लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में क्या सही है। अब देखिए, 1994 के विषय में क्या सही है, ये आपको आंसर देना है। पहला आपका ऑप्शन है, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा मुद्दा द्वारा पारित किया गया है ना, तो ये आपका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसी की स्वीकृति दी, ये भी सही है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंकित कर 1/11/2001 को से प्रभाव किया, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अब इसके बाद जो सही क्या है ये देख लेते हैं। तो पहले आपको ये सही है कि यह 1/1/2011 से अधिसूचित किया गया, प्रभाव नहीं किया गया, अधिसूचित किया गया, ये सही है। ठीक है, उसके बाद है कि इसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पुनः पारित किया, तो पुनः पारित नहीं किया, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा था वहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ लिखा गया। ठीक है, इसे पुनः पारित नहीं किया, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा था वहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ लिखा गया है। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है, गलत है, जब क्योंकि ये मध्य प्रदेश में लाया गया था या फिर किसी
राज्य का माने तो वहाँ राज्य में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होता। यह विधियों के अनुकूल आदेश 2001 कहलाएगा। ये सही है, ठीक है। तो आपका 1, 2, 4 और ये 7 सही रहेगा, बाकी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने बार संशोधन हो चुके हैं? अभी तक इसमें 3 बार, ठीक है। और ये कब की स्थिति में है? तो ये है सितंबर 2020 की स्थिति में, इसमें 3 बार संशोधन अभी तक हो चुके हैं। आगे देखते हैं, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो इसका उत्तर है जून 2004 को रायपुर में एक गोलमेज सम्मेलन किया गया पंचायती राज के संबंध में। अगला है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ये सही है। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, ये भी सही है, ठीक है। पंचायत में अपने कार्यों की पूर्णता स्वायत्त है। पंचायत के लिए समय पर पद निर्वाचित किए जाते, समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, मतलब समय पर निर्वाचन किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ये आपका सही नहीं है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। पंचायत अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्त प्राप्त है, ऐसा नहीं है, गलत है। पंचायतें पूर्वत पूर्णता उनको स्वायत्त प्राप्त नहीं किया गया है, कुछ न कुछ शासन के आदेशों को मानने के लिए बाध्य करके रखा गया है। तो इसमें सही क्या है? तो पंचायत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जिला, ग्राम और जनपद। पंचायतों में महिला के लिए आरक्षण किया गया है, बिल्कुल किया गया है, तो हमारे यहाँ 1/2 आरक्षण है। पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, तो 6 महीने में चुनाव कर लिया जाता है, ये हो गया। तो गलत ये हुआ कि पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्त प्रदान है, पूर्ण स्वायत्त प्रदान नहीं किया गया है, केवल वो अनुमोदन संबंधी कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 से लागू है, क्या ये सही है कि छत्तीसगढ़ में पंचायत 2003 से लागू है? तो ये गलत है, 2003 से लागू नहीं है, ये तो 1993 से लागू है। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ये भी गलत है। तीनों स्तर के लिए चुनाव होता है, मैंने पढ़ा चुका है पहले ही, ठीक है। हमने जिला पंचायत देखा है, जनपद पंचायत देखा है, ग्राम पंचायत देखा है, इन सब में चुनाव कराए जाते हैं। तीसरा है कि जनपद तथा जिला पंचायत के सदस्य नामजद होते हैं, ये भी गलत है, उनका चुनाव होता है, ठीक है। अब पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है, ये सही है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा खाली स्थान, मतलब यहाँ खाली स्थान है, आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। धारा खाली स्थान के तहत राज्य सरकार पंचायत को आवंटित शक्तियों में से किसी को भी बढ़ा या बचा सकती है, ठीक है। धारा खाली स्थान के तहत राज्य सरकार पंचायत को आवंटित शक्तियों में से किसी को भी बढ़ा या बचा सकती है, तो इसका उत्तर है धारा 53। देखिए, धारा से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस धारा से क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि किसी को एक वर्ड में एक ही नज़र में पढ़ने से ये इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आता। इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं पंचायत राज का जो भी अधिनियम है उसको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, चाहे उस पोर्शन से अभी तक क्वेश्चन आया हो या ना आया हो, हो सकता है इस बार आ जाए, इसलिए हम उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार सरपंच पद हेतु न्यूनतम आयु किस क्या निर्धारित किया गया है? तो 18 वर्ष, ये तो आपका मतदाता वाला है कि इस तारीख के बाद आप मतदान कर सकते हैं। 20 वर्ष नहीं, 21 वर्ष है,
ठीक है, 21 वर्ष के लिए आप सरपंच, पंच, सदस्य, अध्यक्ष जो भी बनना चाहे बन सकते हैं, और 25 वर्ष आपका विधानसभा के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली के आधार पर बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली के आधार पर बनता है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत का आधार बनता है? तो यह छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, जो तो सबको पता है, एक ही वर्ड में इसका उत्तर आ जाएगा कि यही इसी अधिनियम के द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायती का प्रणाली का आधार है। यही क्वेश्चन है। दूसरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं, उसको हम देख लेते हैं कि 25 जनवरी 2094 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कहा गया। ठीक है, ये जो लिखा है ना, इतना जो नाम है आपका, ये बुक का नाम है तो, और ये डेट है 25 जनवरी 1994 को, दिन को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रकाशित किया गया या फिर गजट में डाला गया। उसके बाद सेकंड है, 1 नवंबर 2000 के प्रथम दिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया किंतु अधिसूचित नहीं किया गया। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया किंतु अधिसूचित नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 134 दिनांक 18/1/2000 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राज क्रमांक होगा ये, और दिनांक है 18/2008 द्वारा पंचायत राज को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम यहाँ से ग्राम सभा से संबंधित क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो इसमें है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर ही, आपको क्वेश्चन का नंबरिंग मत देखिएगा, क्वेश्चन नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो ऊपर नीचे हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा मैंने बता दिया था कि गाँव के जितने भी लोग होते हैं, है ना, जो 18 प्लस हैं, जो 18 प्लस है, जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा आपका, इसके लिए क्या है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन लोग कहलाए जाएंगे? तो इसमें हो जाएगा आपका वन ग्राम और राजस्व ग्राम। देखिए, आदर्श ग्राम कोई ग्राम की कैटेगरी नहीं है, उस वहाँ के कार्य के को देखकर उसको आदर्श ग्राम की दर्जा दिया जाता है। और अनुसूचित ग्राम भी कोई ग्राम नहीं है, ये अनुसूचित क्षेत्र होता है ना, अनुसूचित ग्राम नहीं होता, अनुसूचित क्षेत्र होता है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, वन ग्राम। वन मतलब ये वाला वन, मतलब फॉरेस्ट वाला वन, ये वन ग्राम है। ठीक है, तो वन ग्राम और राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बनने वाला निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा में सही परिभाषा क्या है? संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या चीज़ है, ये हम देखते हैं। ठीक है, राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243B के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था। तीसरा है, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र। ठीक है, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय, ये आपकी ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है,
ये जो देखे हैं ग्राम राज्यपाल द्वारा विनिर्देश, तो ये ग्राम के लिए है, ठीक है, ना कि ग्राम सभा के लिए। और दूसरा में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 बी के गठित स्वायत्त संस्था एक संस्था। तो 243 बी में पंचायतों का गठन बताया जाता है 3 स्तर का, उसमें ग्राम सभा नहीं बताई जाती, ठीक है, और पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र भी ग्राम सभा नहीं बताता। तो पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में तो सभी चीज़ आ जाते हैं, जो लोग 18 प्लस नहीं हैं वो भी, और जो 18 प्लस हैं वो भी। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सही होगा। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना में के माध्यम से विनिर्दिष्ट, या आयुक्त द्वारा, या मुख्य अधिकारी द्वारा। तो हमने पढ़ा है कि ग्राम को कौन अधिसूचित कर सकता है, तो वो उसका पावर कलेक्टर के पास होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलेक्टर। नेक्स्ट ग्राम है, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? ठीक है, समस्त वयस्क पुरुष, समस्त वयस्क स्त्री, ग्राम में रहने वाला सभी व्यक्ति। उसके बाद चौथा है, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत, है ना, पंजीकृत किए जाने के लिए योग्य रखता है, तो ये उत्तर आपका ये सही होगा, है ना। केवल वयस्क पुरुष होने से नहीं हो जाता, ठीक है, उनकी विधानसभा में नामावली पंजीकृत करने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए क्या सही है? ठीक है, तो गणपूर्ति मैंने बता दिया है, तो ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 ये सही है, ग्राम सभा का 1/3 गलत है, ग्राम सभा की कुल 1/2 ये भी गलत है। आगे देखते हैं, ग्राम सभा में उपस्थित महिला का 1/10 संख्या में 1/10 महिला गलत, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला ये सही है, ठीक है, ग्राम सभा में उपस्थित 1/2 महिला ये भी गलत है, सरपंच और पंच कोरम के लिए जवाबदेह होते हैं ये सही है। इस प्रकार ये जो जहाँ जहाँ मैंने कट का निशान बनाया है वो गलत है, और जहाँ जहाँ मैंने राइट का निशान बनाया है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, यदि ग्राम सभा की कोरम की उपस्थिति नहीं होगी तब क्या होगा? यदि ग्राम सभा में कोरम की उपस्थिति नहीं तो क्या होगा? पहले तो कोरम मैंने जो बताया था उसको याद रखिए, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, और गणपूर्ति अर्थात यह है कि एक निश्चित व्यक्ति एक निश्चित व्यक्तियों की संख्या जिससे किसी भी सभा को, किसी भी बैठक को शुरुआत किया जा सके, ठीक है, इसको कोरम बोलते हैं। तो क्या होगा यदि गणपूर्ति या कोरम नहीं बढ़ते, या दो या तीन लोग आए हैं बाकी लोग नहीं आएंगे, तब की स्थिति में क्या होगा? तो ग्राम सभा की बैठक स्थगित होगी, ये सही है। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी, गलत है। ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी, महत्वपूर्ण मामले ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, यह जनपद जिला कलेक्टर को सूचित करेगा, गलत है, केवल एक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के विषय में सही क्या सही नहीं है? अब जो सही नहीं है उसको बताना है, जो सही है उसको नहीं बताना है। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति होती है, ये तो बिल्कुल सही है, हमको सही नहीं है वो खोजना है। तो ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही है। कोरम के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, ये भी सही है। कोरम नहीं होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकेगी, ये भी सही है। स्थगित सम्मेलन में कोरम की आवश्यकता होती है, ये गलत है। यदि एक बार आपने बैठक बुलाया और कुछ लोग उपस्थित नहीं हुए, मतलब आधे या फिर जितना होना चाहिए उतने लोग उपस्थित नहीं हुए, तो सेकंड बार जब बुलाएंगे तो हम उसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं है, है ना, ये फोरम लिख दिया हूँ, ये कोरम है, कोरम की आवश्यकता नहीं है, है ना, बार बार उनकी बार बार उनका इंतज़ार नहीं किया जाएगा, कोरम की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका गलत है यहाँ पे, बाकी सही है। नीचे और कुछ पॉइंट है, तो ये है कि स्थगित सम्मेलन में कोरम, देखिए बाद इसमें फोरम लिखा गया है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट से लिखा गया है, स्थगित सम्मेलन में कोरम नहीं होने पर बजट पारित किया जा सकता है, गलत है। यदि
स्थगित सम्मेलन के बाद आप बैठक बुलाते हैं, उसमें भी अगर कोरम नहीं होता तो आप बजट नहीं करा सकते, है ना, ना ही कोई विषय चेंज कर सकते हैं। अगला है, संगीत सम्मेलन में पूर्व न होने पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, मतलब इस कोरम सम्मेलन के पूर्ण न होने पर प्रतिवेदन भेजा सकता है, तो ये गलत है, लेखा नहीं होगा। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में पूरा ना हो तो सरपंच को पद से अलग किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पंचायत सचिव करेगा? बिल्कुल नहीं। अन्य ग्राम पंचायत सरपंच करेगा? बिल्कुल नहीं। मतलब ग्राम पंचायत उस ग्राम पंचायत के वहीं का सचिव बिल्कुल नहीं करेगा, अन्य गांव से कोई सरपंच आकर भी नहीं करेगा, ग्राम पंचायत का एल्डरमैन भी नहीं करेगा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति जो उस ग्राम सभा का सदस्य हो और उस दिन वो उपस्थित हो वो करेगा। ठीक है, अगली बात है, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति की उत्तरदायी नहीं है। नहीं है बोला है तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, नहीं है तो पहले है को खोज लो, इसका है, इसका भी है, और पंच और सरपंच दोनों का है, उप सरपंच का नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इनका काम नहीं है। अब देखिए यहाँ कुछ लॉजिकल बात देख लेते हैं, इनका क्यों नहीं है, क्योंकि सरपंच जो है प्रत्यक्ष चुनाव से आता है, उसी प्रकार पंच भी प्रत्यक्ष चुनाव से आता है, तो इनका ही काम है कि जो लोग इनको चुन कर भेजे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनका उनको बैठक में बुलाने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध होते हैं। अगला है, अब ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है ये देखना है। ग्राम सभा में बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, बिल्कुल सही है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। ठीक है, तो क्या सही है, तो संदर्भ में क्या सही है, तो इसमें तो सही तो बहुत सारा निकल रहा है, चलो नीचे कूट दिया गया है। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, वरिष्ठ सदस्य नहीं करता, आपस में जो चुना जाता है वो करता है। ठीक है, भी गलत हो गया। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का अध्यक्षता करेगा, ये भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक करेगी, ये गलत है। तो उत्तर क्या आ रहा है हमारा, 1, 2, 5 आ रहा है। देखिए किस में है, 1, 2, 5 सी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, तो यही उसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? बुनियादी इकाई बोले तो सबसे छोटा तो वो है ग्राम सभा आपकी। ठीक है, ग्राम सभा आपकी बुनियादी इकाई होती है। आज के वीडियो में कुछ इतना ही, मिलेंगे और एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।